अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह जी वालेकुम वबरकातुहु। अस्सलाम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। जी, मेरा सवाल था कि मेहर जो निकाह के वक्त मेहर किया जाता है वो जरूरी है, क्यों है? आवाज कहते हैं कि करेंगे। निकाह में जो मेहर दिया जाता है वो जरूरी क्यों है, शेख उनका सवाल है। महर होता है, मेहर नहीं होता, महर, महर मीम के फतह के साथ। तो निकाह में जो महर है ये बीवी का हक है। निकाह पढ़ाते ही वो हक जो है बीवी का बन जाता है। अब जो हक है किसी का वो उसकी अपनी मर्जी है। मान लीजिए 1 लाख आपका आपने महर तय किया शादी में, निकाह हुआ, अब 1 लाख उस बीवी का बन गया। अब जब उसका बन गया, उसका हक है, तो जी जाहिर है जो मेरा हक है आपके ऊपर, क्या मैं लूं या छोड़ दूं, मेरी मर्जी। जी जी जो मेरा हक है आपके ऊपर वो मेरी मर्जी। अब वो बीवी चाहे तो छोड़ दे, उसको मजबूर नहीं किया जाएगा, नहीं तुम लो जबरदस्ती लो, वो चाहे तो छोड़ दे, चाहे उसका हक है वो चाहे तो ले। जी बिल्कुल जी, शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहु। अस्सलाम।